ऐसा थोड़ी मैडम, डिसाइड किया तुम दूसरा शादी क्यों किया? हाँ हाँ हाँ, दूसरा बिना डिवोर्स का दूसरा शादी क्यों किया? हेलो, बिना डिवोर्स ये कहाँ से फोटो आया? ये फोटो कहाँ से आया? सुनिए सुनिए ना मैडम, ये मैडम छपवाई है खुद ही। अच्छा, मतलब ये फोटो भी खुद एडिट कर ली? फोटो भी खुद एडिट कर ली? बिना 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 डिवोर्स के आप शादी काहे किए? बिना डिवोर्स का आप शादी काहे किए? अरे शादी हुई नहीं। कहाँ शादी नहीं हुई? ऐसे थोड़ी, मतलब हम तब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तुम हो ना? हम नहीं है इसमें। ये तुम नहीं हो? हम नहीं है इसमें। अच्छा, ये लड़का अब बताइए सर, वहाँ फोटो है? ये बोल रहे हैं कि नहीं है? अच्छा, अभी बोलिए मैम, रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ना। हाँ मैडम, शादी मैडम वहाँ में जबरदस्ती हुई? जबरदस्ती हुई, मतलब हम थोड़ी बर्बाद किया मैडम, ये खुद ही वहाँ पे, ये खुद ही मेरे परिवार, एक मिनट, मेरे परिवार के पास मैडम पहले जाती, तुम्हारी बहन इसकी भाभी है कि नहीं? तुम्हारी बहन इसकी भाभी है कि नहीं? मैडम है तो ये हमारे परिवार के पास जाती ना। वो लड़की कहाँ है जिनसे दूसरा शादी हुआ है? एस पी साहब जो शादी करवाए थे वो सब गलत है? ये कौन है? ये लड़का कौन है? ये लड़का हम है, वहाँ लड़की कौन है? शादी हुई जबरदस्ती कौन है? तो मैडम कोर्ट में बैठे, ये तो बहुत तेज है मैडम, बहुत शातिर है, देखने लग रहा है कितना शातिर है। या मर्जी से हो, शादी हुई है ना? शादी हुई, शादी है, शादी होती मैडम, शादी होती तो हम कोर्ट में थोड़ी करते हैं, कोर्ट में थोड़ी करते हैं। तुमको शादी एसएसपी से तुमको शादी करवाई है? नहीं, एसएसपी का कोई आदेश ही नहीं है। हाँ है, हाँ है, हाँ दिखलाइए आदेश, दिखलाइए आदेश, दिखलाइए, पेपर में छपा हुआ है, पेपर में छपा हुआ है, आदेश दिखलाइए ना, पेपर कहाँ है? आदेश दिखलाइए, एसएसपी सर पेपर, पेपर है ना, आदेश, हाँ एसएसपी सर का आदेश दिखलाइए आप, देखिए। और अभी आपका कॉल आएगा जी जी, और सारे वहाँ का ब्रांच आज भी बोल रहा है कि लोग कुछ निजामी आपका शादी हुआ है, हम सारा इंक्वायरी करके आपके पास। ओके मैडम, ठीक है, हम जान रहे हैं, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, इधर रहती है सबने, इधर रहती है, इधर रहती है, हमारी चल रही है। हाँ, कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा? ये लड़की जो डर से मैडम डिसाइड किया, तुम दूसरा शादी क्यों किया? हाँ हाँ, दूसरा बिना डिवोर्स का दूसरा शादी क्यों किया? हेलो, बिना डिवोर्स ये कहाँ से फोटो आया? ये फोटो कहाँ से आया? सुनिए सुनिए ना मैडम, ये मैडम छपवाई है खुद ही। अच्छा, मतलब ये फोटो भी खुद एडिट कर ली? फोटो भी खुद एडिट कर ली? बिना 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 डिवोर्स के आप शादी काहे किए? बिना डिवोर्स का आप शादी काहे किए? अरे शादी हुई नहीं। कहाँ शादी नहीं हुई? ऐसे थोड़ी, मतलब हम तब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तुम हो ना? हम नहीं है इसमें। ये तुम नहीं हो? हम नहीं है इसमें। अच्छा, ये लड़का अब बताइए सर, वहाँ फोटो है? ये बोल रहे हैं कि नहीं है? अच्छा, अभी बोलिए मैम, रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ना। हाँ मैडम, शादी मैडम वहाँ में जबरदस्ती हुई? जबरदस्ती हुई, मतलब हम थोड़ी बर्बाद किया मैडम, ये खुद ही वहाँ पे, ये खुद ही मेरे परिवार, एक मिनट, मेरे परिवार के पास मैडम पहले जाती, तुम्हारी बहन इसकी भाभी है कि नहीं? तुम्हारी बहन इसकी भाभी है कि नहीं? मैडम है तो ये हमारे परिवार के पास जाती ना। तुम 6 लाख रुपया तुम दहेज लिया है कि नहीं इसे? नहीं, अगर कोई प्रूफ है तो मैडम दिखाए, हम अभी रखेंगे इसको, अगर कोई प्रूफ है तो दिखाए, झूठ बोले नहीं, ऐसा कोई, ऐसा कोई प्रूफ नहीं होगी, नहीं ऐसा कोई नहीं, ये झूठ बोल रही है। इतना इतना फोटो कहाँ से आ गया? हेलो हेलो, इतना फोटो इसके मोबाइल में कैसे आ गया आपके साथ? ये कौन है? हाँ, ये कौन है? कितना देखिए सर, घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं, सब नहीं नहीं, लड़का तो पूरा जिद्दी है, मतलब अपना, मतलब यहाँ इतना फोटो कैसे आ गया? क्या पहचानता है? उनको बोल रहे हैं ना, घर में मेरे हैं, मेरे
गलत लहजा में तेरा बर्दाश्त करेंगे, उसका करेंगे। इसकी सेकंड वाइफ कहाँ है, उसको बुलाइए। आ रही है, पहले तुम ये बताओ, ये सारा ये तुम्हारा इसके साथ इतना फोटो कैसे आ गया? लाइट बढ़ाओ ना, यहाँ की रोशनी खत्म हो गई है। देखिए ये सब फोटो सुनिए सुनिए ना मैडम, सुनिए ना, हेलो मेरी मैडम आराम से बोलिए, ठीक है? हाँ आराम ही से बोल रहा है। हेलो, मतलब गलती गलती करते गए हैं, उसके बाद आराम से बोलेंगे। हाँ झूठ बोल रहे हो, और तुम क्या चाह रहे हो कि लोग, मतलब सारा सबूत गलत हो गया, खुद सही हो गए मैडम? सच ही तो बोल रहे हैं ना। चलिए चलिए, अब कोई बात नहीं है, चलो शांत हो जाओ। क्या कारण हुई नहीं नहीं, नहीं यहीं पे होगा। ठीक है, ये ऐसा रहता था मैडम, मैं परिवार के पहले पास में जाती मैडम। मेरे मेरी माँ तो इसके पापा, तुम्हारे पापा का मुलाकात हुआ, 6 लाख रुपया भी शादी के लिए दे देंगे। हाँ तो जी, सुनो सुनो, तो दीजिए हमको। सुनो सुनो, जैसा मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, सुनो मेरा भी, पहले सुनो उसके बाद बोलना। रिश्तेदार था जी, रिश्तेदारी में तुम दोनों एक दूसरे के पास आना जाना तो है ही, तुम्हारी बहन इसके घर में है, पता ही जाता होगा। धीरे धीरे तुम लोग में प्रेम हो रहा है, जैसा इसका कहना है प्रेम होने लगा। प्रेम के बीच में गार्जियन के सामने भी बात आ गई कि ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। इसी बीच में तुम दोनों में भी प्रेम पनपने लगता है, और गार्जियन भी तुम लोग के रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, और दोनों तरफ के गार्जियन बोलते हैं कि चलो अगर ये लोग में प्रेम है तो हम लोग मिलकर शादी कर देते हैं, क्योंकि तुम लोग रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार हो ना, तुम्हारी बहन इसकी भाभी, ठीक है? अब पहले आगे सुनो। इसी बीच में तुम उसमें पढ़ रहा था, तुम्हारा कोई नौकरी नहीं था, इसी बीच में तुम ट्रेनिंग में चले जाते हो, तुम्हारे पापा का निधन होता है, इसके पापा का, इसके तुम्हारे पापा का निधन हो जाता है। तुम्हारा जो भाई है वो तुमको धमकी देता है कि अगर ये लड़की से तुम शादी किया तो तुम्हारा इस घर में कोई अधिकार ना हो। और उसके बाद तुम अपने भाई के प्रेशर में आकर कहीं ना कहीं इस लड़की को इग्नोर करने लगते हो, और मंदिर में भी जाके पहले तुम हंसी मजाक कर शादी से मांगने से दूर भर दिया। हाँ फोटो दिखाइए, फोटो दिखाइए। अरे पहले सुनो, बात सुनो, जब यही बात साबित हुआ तो तुम्हारा कहाँ का थोड़ा बताओ। बांका एसपी सत्य प्रकाश के पास आवेदन दिए, जिसके अनुसार डीएसपी के हाथ में गए केस, और डीएसपी सब मेजर को दिया, मेजर के अनुसार बांका पुलिस लाइन में मेरी शादी हुई। पूरे वहाँ के जितने भी रीति रिवाज के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार थाना में खूब सुंदर से तुम लोग का एसपी साहब मौजूद थे वहाँ पे, मतलब वो इनके साथ जबरदस्ती कर लिए हैं। मैडम तैयार हाँ जी, वहाँ का मैडम एक बार मैडम बयान आप ले लीजिए, ठीक है? हम आगे जो फंसा भी चुका है, रिकॉर्डिंग है, यस मैम, रिकॉर्डिंग जरा सुनो, सुनाइए दीजिए। तो सारा व्यक्ति बोल रहे हैं कि लड़की के साथ वो गलत करेगा, तो हम लोग आके कोर्ट में बयान देंगे जी। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग है मैडम, वो कोर्ट में आकर दे। चलो हाँ, वो कोर्ट में जी, हम रेडी हैं। कहाँ पर है आपका रिकॉर्डिंग? उनका रिकॉर्डिंग सुनाइए। वही वही वो अंकल से, अंकल हम थोड़ा सा, जैसे कि मेरा शादी हुआ था ना बांका पुलिस लाइन में, धनंजय से, शादी में उस टाइम वो लड़का आया था ना, उस कपड़ा उपड़ा पहन के मंडप में, अब इन लोगों से भी शादी किया था ना, हाँ ये तो बोल ही रहा है। हाँ हाँ, अब इनका कहना क्या है? पूरा वहाँ का सुनिए ना मैडम, उनको जो 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 ये बोली है, पर हमें बोली है, जो ये बात बोली है ना सर ना, उनको बोली कि आगे यही बात कोर्ट में आकर बोले, तो मैडम किन्हीं के बाद, ये किन्हीं का नंबर से मैम, कोई किन्हीं का नंबर कैसे भाई, ऐसा थोड़ी होगा जी, यानी कि तुम इस बात को गलत साबित कर रहे हो जी मैम, है ही, और मतलब ये केस सारा चीज फॉल्स होगा मैम, कोर्ट डिसाइड ना करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा जी, लेकिन करेगा, समाज भी डिसाइड करेगा, क्योंकि तुम समाज के सारे नियम को तोड़ रहे हो। शादी यदि, पहले मेरी बात सुनो, शादी यदि बेमर्जी का भी हो,
उसको नियमता पहले पत्नी को तलाक देना पड़ता है, बाद अपनी शादी में प्रवेश करे। और तुम दो लड़की का जिंदगी बर्बाद करने वाले हो। दो लड़की, अभी एक लड़की जो इनके जीवन में आई हुई है, अभी इनकी वीडियो पर है, वो भी बेचारी परेशानी के शिकार में जाएगी। क्योंकि तुम्हारा मामला जब इसके साथ क्लियर नहीं हुआ था, तुम एक और लड़की के जीवन में कैसे अपना ले आया? वहाँ पर मैं ये खुद आई हमारे परिवार के पास ही पहले जाती, ये मेरे परिवार के पास जाती, शादी वादी होता वहाँ पे। शादी तो तुम्हारा हो चुका है, ये फोटो प्रमाणित कर रहा है, एक ऐसी एक फोटो है, तुम्हारे पास बहुत सारा फोटो है ना जी। ये ससुराल में क्यों रही? मैडम हम क्यों हालत बिगाड़ेंगे? मैडम हम क्यों हालत इनका बिगाड़ेंगे? मैडम हम क्यों बिगाड़ेंगे इनका हालत? हम भी वहाँ पे ऐसी रो रहे थे, हम भी वहाँ पे ऐसी रो रहे थे। हम भी वहाँ पे ऐसी रो रहे थे, जैसे रो रही है। हम जो ऐसा नहीं करो मेरा क्या होगा? नहीं मैडम, हम जाना जी, मैडम अभी करना था तो मैडम अभी करना था तो अभी नहीं करना था। दीदी इससे पूछा जाए तो